ये चने वाला पुलाव होता है। हाँ ये आ गई हलीम। वाह अब ये क्या मसाला आ गया, ये क्या धनिया आ गया, ये आ गया लींबू, ये लींबू आ गया, ये मिर्ची आ गई। वाह यार जबरदस्त है। एंड में कुछ और रहता है, एंड में कुछ और भी रहता है। क्या है ये, प्याज आ गई। बेहतरीन। ये कितने की प्लेट है? ये 100 वाली प्लेट है। 100 वाली, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम इमरान तूर और दोस्तों आज आपका भाई आ गया भाई गुलबर्ग के इलाके में नाश्ता करने, और नाश्ते में क्या है, हलीम पुलाव। आजकल ये नाश्ता बड़ा फेमस हुआ हुआ है हलीम पुलाव का, तो मैंने सोचा कि इसको भी चल के ट्राई करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ हलीम पुलाव के लिए। एक तो इनका जायका बहुत आला है और इनकी जो प्राइस है वो बहुत मुनासिब है। और मेरे साथ आज आए हुए उसामा भाई भी। उसामा भाई कैसे हैं, खरीदते हैं, टिकटा थे भाई? हलीम पुलाव वो भी नाश्ते में, अजीब सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है यानी, लेकिन सुना है मज़ेदार है, हमने भी सुना है मज़ेदार। तो मैंने कहा नाश्ते में ट्राई कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग आते भी हैं यहाँ पे नाश्ता करने हलीम पुलाव का। तो चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं और ट्राई करते हैं और आप लोगों के साथ टेस्ट भी शेयर करते हैं। तो वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली, सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबा दें और अब मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलें। अच्छा यहाँ पे जो है ना रश लगा हुआ होता है 10 बजे 9 बजे, इस टाइम बहुत रश होता है। हम लोग आए हैं तकरीबन 12 बजे, तो नाश्ते का तो टाइम नहीं रहा है लेकिन अभी आजकल यही टाइम हो गया नाश्ते का, तो हमने कहा चलो कर लेते हैं। खैर चलते हैं और शेयर करते हैं नाश्ते की। ये देखिएगा भाई यहाँ पे तैयार हो रहा है पुलाव वाली, ये है पुलाव, ये चने वाला पुलाव होता है। हाँ ये आ गई हलीम। वाह अब ये क्या मसाला आ गया, ये क्या धनिया आ गया, ये आ गया लींबू, ये लींबू आ गया, ये मिर्ची आ गई। वाह यार जबरदस्त है। एंड में कुछ और रहता है, एंड में कुछ और भी रहता है। क्या है, ये प्याज आ गई। बेहतरीन। ये कितने की प्लेट है? ये 100 वाली प्लेट है। 100 वाली, ठीक है। अच्छा जी फाइनली देख सकते हैं पुलाव हलीम हमारा आ गया भाई। उसामा भाई कैसा लग रहा है? जबरदस्त टाइट लग रहा है। ये देखिएगा भाई बेहतरीन सा, आप लोग देख सकते हैं पुलाव डाला पहले फिर हलीम और फिर ऊपर से जो मसाले डाले ना, आया है मुंह में पानी, मुंह में पानी आ गया है भाई बिल्कुल। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन लग रहा है हलीम पुलाव, ऊपर से जो मसाला ज़बरदस्त लग रहा है भाई। ट्राई करते हैं इसको, पहले मिक्स कर लेते हैं क्योंकि ये मिक्स करके खाया जाता है। ये देखिएगा पुलाव में यार, देख सकते हैं आप लोग चावलों की क्वालिटी वगैरह भी नज़र आ रही होगी आप लोगों को। चलें भाई ट्राई करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त टेस्ट है हलीम का, जायका बहुत अच्छा है भाई, बहुत ही बेहतरीन है और चावलों के साथ बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बना हुआ है। आउटस्टैंडिंग भाई, क्या नाश्ता है यार ज़बरदस्त। दोबारा से ट्राई करते हैं। बेहतरीन। एक चीज़ ये मिर्चें डाली मैंने ऊपर से, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है लेकिन स्पाइस लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, बेहतरीन है, थोड़ा सा स्पाइस लेवल ज़्यादा है लेकिन है अच्छी भाई, मुझे तो पसंद आई भाई। तो आप लोगों को रेकमेंड करूँगा लाजमी ट्राई करनी है आप लोगों ने, नहीं करा तो भाई ये नाश्ता आप मिस कर जाएंगे। सामा भाई की भी राय लेते हैं। सामा भाई जी हलीम पुलाव, हलीम पुलाव तो मिक्स करते हैं, थोड़ा मिक्स करके खाना है यार, है तो मज़ेदार यार जायकेदार। सामा भाई की बारी है। ओए हो सामा भाई, मज़ेदार है, मज़ेदार मज़ेदार। जेन्युइन रिव्यू दीजिएगा, जेन्युइन है लेकिन स्पाइस लेवल बहुत आ गया, हाई है, बहुत हाई, थोड़ा स्पाइस लेवल ज़्यादा है ना, जुबान जल रही है लेकिन है मज़ेदार, है मज़ेदार, मज़ा आ रहा है यार, बेहतरीन है भाई, मज़ेदार यार, हमने तो बहुत मज़ा आया, ऐसा नाश्ता मैंने आज तक नहीं खाया, बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ज़बरदस्त, बेहतरीन, थोड़ा सा बस स्पाइस लेवल ज़्यादा है, इन्होंने मिर्ची जो ऊपर से डाली भी उसकी वजह से, लेकिन है अच्छा। उसामा भाई ऐसी ज़बरदस्त, ज़बरदस्त है ना, ज़बरदस्त है लेकिन थोड़ा स्पाइस लेवल ज़्यादा है। और 100 रुपये की प्लेट है, 100 रुपये सिर्फ 100 रुपये।
आजकल तो पुलाव ही 150 रुपए की प्लेट मिलती है। हाँ, पुलाव और हरी सिर्फ 100 रुपए, तो मेरे हिसाब से बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत ही ज़बरदस्त है। लाजमी से विजिट कीजिएगा। अब मैं पूरा इन्जॉय करता हूँ, फिर मिलता हूँ, फिर इसकी लोकेशन भी बता देता हूँ आप लोगों को। भाई कितने सालों से सेल कर रहे हैं यहाँ पे माशाल्लाह? टाइम हो गया यार। यही हलीम पुलाव? हाँ, यही हलीम पुलाव नाश्ते में होता है। कितने बजे से कितने बजे होता है? 8 बजे से लेके 1 बजे तक। 1 बजे तक ख़त्म पूरी। ये देख माशाल्लाह। हाँ, एक दफ़ा हलीम की भी शक्ल दिखा दें यार। ये देखिएगा भाई, गर्मा गर्म हलीम और ये धुएँ, ओए होए होए, ज़बरदस्त यार। जेन्युइन रिव्यू दे रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त था, बेहतरीन टेस्ट था, टेस्ट वाइज बहुत अच्छा लगा। हलीम के साथ असल में कॉम्बिनेशन जो बना हुआ था ना पुलाव का, वो बहुत अच्छा था। खैर, इसकी मैं लोकेशन बता देता हूँ। मेन गुलबर्ग में आएंगे ना, तो यहाँ पे हॉस्पिटल है। कौन सा हॉस्पिटल है? रफ़ी आम हॉस्पिटल। बिल्कुल उसके बिल्कुल सामने थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पर ठेला। ठीक है, तो लाजमी से विज़िट कीजिएगा आप लोग। वैसे लोकेशन मैंने डाल दी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेकआउट करके ज़रूर आइएगा। शायद लास्ट में ही कहूँगा, वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। अब आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।